अहम खबर आपको आगाह करते चलें सरगोधा से, जहां ब्लॉक नंबर 4 के मारूफ ताजर हाजी चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के मोहम्मदी दस्तरखान पर आमद साफियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के नुमाइंदा नरगिस सफदर की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट नरगिस सफदर। मैं इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ पर अरसे दराज से मोहम्मदी दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है। आज के मोहम्मदी दस्तरखान के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी हाजी इफ्तिखार साहिब। इनसे जानते हैं कि मोहम्मदी दस्तरखान के बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दस्तरखान पे खान साहब के कंपनी बाग में, और माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो गरीब गुरबा लोग हैं आए खाना खाएँ आगे यहाँ पर, और खाना बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला इसको और बढ़ाए। आज हम यहाँ पर दस्तरखान पर आए हैं, आके बहुत दिली खुशी हुई है जो काम कर रहे हैं, इसको देखकर बहुत दिल को सुकून मिला है। यहाँ पर गरीब गुरबा लोग आए हैं और माशाल्लाह देखकर बहुत अच्छा लगा कि लोग गरीब आके अपने यहाँ पर पेट भरते हैं, और ये जो लोग काम कर रहे हैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए, तो इसका इनको अल्लाह ताला अजर दे और इनको इस काम में और कामयाबी अता करे और इसमें तरक्की अदा करे, ताकि ये आइंदा ये काम मुसलसल चलता रहे और ये काम में इंशाल्लाह इजाफ़ा हो, ताकि जो गुरबा इनसे फ़ायदा उठा। जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना था कि मोहम्मदी दस्तरखान पर जो लोग आते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं, अल्लाह ही इनका अजर देता है। कैमरामैन दानिश के साथ नरगिस सफदर, बिग न्यूज़ सरगोधा।